श्री राधेश्याम शर्मा जी, श्री सुभाष शर्मा जी, शिव कुमार शर्मा जी, अंजनी शास्त्री जी, प्रमोद कुमार जी, भवानी शंकर जोशी जी, तारचंद शर्मा जी, अशोक कुमार शर्मा जी से मेरा आग्रह है कि आप सब आए और एक पुष्प गुच्छ देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। ब्राह्मण समाज की ओर से आप एक पुष्प गुच्छ देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। बोल दो ना, ये युवा पार्षद बड़ी माला पहनाकर सैनी समाज के लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। श्री अनिल सैनी, रिंकू पार्षद, श्री बंटी कुमार सैनी, रामनिवास सैनी, रमेश चंद सैनी एवं सैनी समाज संपस्त सैनी समाज की ओर से एक बड़ी माला पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का और आए हुए अतिथियों का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। जोरदार तालियों से आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। श्री बलवंत सैनी जी भी साथ हैं। एससी समाज से श्री ओम प्रकाश मोरवाल जी, अतर सिंह जी इंस्पेक्टर, महेंद्र सिंह नागर जी, सुरेश मोरवाल जी, माता दीन जी, गिरधारी लाल जी, सतबीर सिंह जी, आप सब से आग्रह है कि आप सब आए और एक पुष्प गुच्छ देकर समाज की एक पगड़ी पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। बोल दिए नाम सारे मैंने, बोल दिए जी ओम प्रकाश मोरवाल जी जान। मंच पर व्यवस्था बढ़ाने का काम करें, आप सब से आग्रह है कि मंच की व्यवस्था बढ़ाने में सहयोग करें। और जिसने स्वागत कर लिया वो मंच के बाईं ओर से मंच से नीचे उतरे, वापस इधर आने की बजाय मंच के बाईं ओर से नीचे उतरे, ऐसा आप सबसे आग्रह है। और अब मैं आग्रह करूंगा नलवाटी समाज से श्री जोगेंद्र प्रधान जी, श्री जयपाल सरपंच जी, श्री कमल फौजी जी, दीपक बनियाड़ी जी, सुरेंद्र सरपंच जी कि आप सब आए और नलवाटी समाज की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का नांगल चौधरी की इस पवित्र भूमि पर पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। नलवाटी समाज के मैं निवेदन करूंगा अब गुर्जर समाज से श्री कुलदीप भरगढ़ जी एडवोकेट, रामकरण जी एक्स सरपंच, भाई सुंदर चौधरी जी से कि आप आए और एक पुष्प गुच्छ देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। यादव समाज के सभी लोग श्री मनोज जी, भोलाराम जी, अनिल यादव जी, वीर सिंह जी, सुबेदार जय सिंह जी, करमपाल जी, ज्ञानी राम जी, आप सब समाज की पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। और मेरा सभी से आग्रह कि मंच की व्यवस्था बनाने में सहयोग करेंगे। और मंच के सम्मुख उपस्थित नांगल चौधरी की समस्त सरदारी से मेरा आग्रह है कि जोरदार तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार इस पवित्र धरती पर आए हैं तो उन्हें किसी प्रकार की कंजूसी हमारी तरफ से दिखाई ना दे, उनके स्वागत अभिनंदन के लिए जोरदार तालियां आप सब बजाएं। मैं बार बार आपसे ऐसा आग्रह कर रहा हूं। ब्लॉक समिति के सभी चेयरमैन, उन सब से मेरा आग्रह है कि आप सब आए और माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। भाई करमपाल जी, विनोद घाटाशेर जी, पंकज जी, राजेंद्र जी, राजकुमार जी, आप सभी ब्लॉक समिति के चेयरमैन हैं, आप सबसे आग्रह है कि आप सब आए और पुष्प गुच्छ देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें।
उड़ा से ले ली बात। स्वागत की श्रृंखला को यहीं विराम देते हुए मैं निवेदन करूंगा किशन चेयरमैन जी से कि आप आए, आप कार्यालय प्रभारी हैं नांगल चौधरी विधानसभा के चुनाव के नाते। मैं आग्रह करूंगा पूर्व विधायक श्री करतार भडाना जी का पुष्प गुच्छ देकर आप स्वागत अभिनंदन करें श्री किशन चेयरमैन जी। और अब मैं आग्रह करूंगा इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए महेंद्रगढ़ नांगल चौधरी विधानसभा के तीनों मंडल अध्यक्ष श्री हंसराज जी, पूर्णचंद जी और नरेंद्र जी भगवान श्री राम की एक छवि देकर माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पहुंचने पर स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। मैं चाहूंगा जोरदार तालियां बजाकर आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। और अब शब्दों के माध्यम से स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगा माननीय जिलाध्यक्ष श्री दयाराम यादव जी से कि आप आए और शब्दों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें श्री दयाराम यादव जी। भारत माता की, भारत माता की। हमारे देश के, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे इस क्षेत्र के जो विकास की पहचान बनाने वाले आगे आने वाले समय में मैं कहता हूं जो चार चांद लगाने बहुत सहज सरल और विकासशील प्रगतिशील और गतिशील हरियाणा को बनाने वाले ऐसे मेरे आदरणीय बहुत ही सहज स्वभाव के व्यक्तित्व के धनी नायब जी सैनी हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री एक बार जोरदार तालियों स्वागत करें। यहाँ आने पर हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं इस नांगल चौधरी की पावन पवित्र धरा के ऊपर। हमारे बीच हमारे यशस्वी, हमारे इस लोकसभा के तीसरी बार हैट्रिक का काम करने वाले हमारे लोकप्रिय सांसद चौधरी धर्मवीर जी, हमारे इस रैली के और इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर अभय सिंह हरियाणा सरकार में सिंचाई मंत्री, हमारे प्रदेश के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे और हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री रहे ऐसे हमारे बहुत ही आदरणीय और सम्मानीय प्रोफेसर रामविलास जी शर्मा, हमारे नारनौर से विधायक पूर्व में मंत्री रहे ओम प्रकाश जी यादव, हमारे अटेली से सीताराम जी विधायक और श्रीमती संतोष यादव डिप्टी स्पीकर, अटेली से हमारे प्रदेश में कोसली विधानसभा से हमारे यशस्वी विधायक और इस लोकसभा के प्रभारी आदरणीय लक्ष्मण जी यादव का हम यहाँ स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हमारी प्रभारी भी जिला की गार की कक्कड़ और करतार सिंह जी बढ़ाना हमारे बीच पूर्व में विधायक रहे समालका से, उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। बाकी मेरी सारी टीम मंच पर बैठी है, सबका नाम लूं तो समय लगेगा थोड़े समय में। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार ने यहाँ किसानों के लिए हमारे इस 10 साल में जो विकास हुआ है शायद इस 60 साल में ना हुआ। यहाँ किसानों का आखिरी छोर तक आपके नेतृत्व में हरियाणा पानी की नहर को लबालब भरती हुई आपने कल भी देखा, 3 दिन पहले भी देखा। आज किसानों के आंसू पूछने का काम, हर उस प्यासी जमीन का बुझाने का काम किया है। बगैर पर्ची और बगैर कृषि इस क्षेत्र का एक एक जवान आपका पलकों बिछा करके स्वागत करता है। ईमानदारी से जो नौकरियां आपने देने का काम किया है, यहाँ का जवान शिक्षा के क्षेत्र में चाहे सीबीएसई में टॉप रहा हो चाहे आईएएस अभी कल लिस्ट जारी हो, इस जिले का सबसे अधिक युवा जो ईमानदारी से भर्ती होते हैं उसमें सबसे अग्रणी रहा है। चाहे हरियाणा पुलिस की हजारों से संख्या, चाहे डी ग्रुप की हो, चाहे सी ग्रुप हो, चाहे एचसीएस हो, सारे ईमानदारों से ये एक नंबर नौकरियों ने रहा। ये आंखों से पलके बिछा करके आपका अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। और आपका यहाँ जो विकास, जो नेशनल हाईवे की कनेक्टिविटी और मैं कहूँ इस लॉजिस्टिक हब और डोसी का जो चमन ऋषि का कैरिडोर जो बनाने का काम कर रहे हैं वहाँ आप सबका ये जनता आपके स्वागत में अभिनंदन में आ रही है। मैं ज्यादा ना कहता हुआ, मेरे से वक्ता बहुत सीनियर नेता है, मैं आपका पुनः बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। अब मैं आग्रह करूंगा पूर्व में विधायक रहे बहुत ही आदरणीय श्री करतार भड़ाना जी से कि आप आए और अपने प्रेरणादायी शब्दों से इस नांगड़ चौधरी की जनता को संबोधित करें। आदरणीय श्री करतार भड़ाना जी। सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी के, फिर हमारे गुरु जो हरियाणा सरकार के, क्या हरियाणा के भामा भी है और गुरु भी है, और फिर मेरे साथी रहे मेरे मित्र तीन बार से जो एमपी हैं, और इस हलके के भाई भूपेंद्र सिंह जी, जिस इनके हाथों में ये हलका सुरक्षित है, और स्टेज पे जितने भी लोग बैठे हैं, मैं उनको जो बड़े हैं उनको तो झुककर प्रणाम करता हूं और जो छोटे हैं उनको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। और आज हम अपने लिए नहीं, भाई के लिए भी नहीं, आज हम आपसे इस देश की मजबूती के लिए मांगने आए हैं, आज वोट मांगने आए हैं, क्योंकि मोदी जी के लिए वोट मांगने आए हैं। और मोदी जी इस देश का, मोदी जी के हाथ मजबूत जब तक नहीं हो जाएंगे ये देश की तरक्की नहीं हो पाएगी, और हमारी बेटियों की, हमारे जिम्मेदार की, हमारे किसान की, किसी की भी जो इच्छाएं पूरी नहीं हो पाएगी। पर मैं आपको वादा करता हूं, मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि यहाँ के कमल को, धर्मवीर जी को आप बना के भेजेंगे, 400 पार अब की बार होगा, हर हाल में होगा, और जब 400 पार होगा तो मोदी जी कुछ ऐसा करना चाहते हैं इस देश के लिए, क्योंकि वो दो दो घंटे सोते हैं, दो दो घंटे सोते हैं, कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो दुनिया में ये देश विश्व गुरु कहलाए, और यहाँ की हर समाज इच्छा से, हर किसी चीज की कमी ना रह जाए, ये उनकी इच्छा है कि मेरा देश आगे बढ़े। पर वो देश आगे तभी बढ़ा पाएंगे जब हम इस बात की गारंटी करें कि एक एक वोट कमल पे जाएगी, तभी ये देश विश्व गुरु भी बनेगा, महान भी बनेगा, और देशों से ज्यादा तरक्की भी करेगा। और मैं धर्मवीर जी के लिए फिर से पटका करके वोट मांगता हूं आपसे। और मैं जो है, वैसे तो नेता तो बहुत हैं इस हिंदुस्तान में, गुजरों के नेता बहुत हैं, लेकिन मैं समाज का बेटा और चौकीदारी की बात करता हूं। और जो लोग मुझे, किसी भी बिरादरी के लोग जो पहचानते हैं और जानते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि करतार बनाना जो कह के जाएगा वो जरूर अपने नेताओं से करवाएगा। तो मैं वैसे तो 36 बिरादरी से प्रार्थना करता हूं, लेकिन गुजर कहते हैं गुजरी की कोख से जन्म लिया है, तो गुजर की जिम्मेवारी तो हमें निभानी होगी, उनके लिए काम भी मांगना होगा। मैं विधायक जी से, मंत्री जी से कहूंगा कि एक आपकी नहर है, क्योंकि अभी मैं रास्ते में आ रहा था तो वहां पे काफी एक दो मीटिंगें में छोटी छोटी करके आया, तो वो ये कह रहे थे जी नहर में पानी चल रहा है, सब कुछ अच्छा है, पर कुछ जगह पे वो भीड़ी है। तो मैंने कहा भाई मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी और हमारे एमपी साहब और हमारे अफसर साथी, वो आपके काम को जरूर करेंगे, मैं ये वादा लेके आऊंगा। तो आप ज्यादा से ज्यादा वोटों से भाई धर्मवीर को बना देना, तुम्हारा कोई काम रहेगा तो मैं आके हाथ जोड़ के भी सारे काम तुम्हारे करवा लूंगा। तो इसी के साथ अगर आपको ये बात अच्छी लगी तो हाथ उठा के बता दो कि गुर्जर समाज तो पक्का कर दो कि सारी वोट भाई धर्मवीर जी को जाएंगी, एमपी साहब को जाएंगी। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी।
निश्चित रूप से आपकी कही बातों का नांगड़ चौधरी की जनता समर्थन करेगी, उसका अनुसरण करेगी। और अब मैं आग्रह करूंगा, पूर्व में मंत्री रहे, नागौर से विधायक, बहुत ही सरल आदरणीय श्री ओम प्रकाश यादव जी से कि आप आए और अपना मार्गदर्शन दें। श्री ओम प्रकाश यादव जी, हमारे बहुत ही सौम्य स्वभाव के और मृदुभाषी यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री नायब सिंह सैनी जी, उनके साथ प्रदेश में कई बार प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर और सरकार में मंत्री के तौर पर रहे माननीय रामविलास शर्मा जी, हमारे लोकसभा में पार्टी के प्रत्याशी माननीय चौधरी धर्मवीर जी, सभी हमारे साथी विधायकगण और सम्मानित मंच, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, आज बहुत ही खुशी का दिन है कि हमारे नवनियुक्त मुख्यमंत्री जी पहली बार जिला महेंद्रगढ़ में आए। मैं उनके प्रथम आगमन पर आप सब की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, आप लोगों ने 2014 के अंदर भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देकर प्रदेश में और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। 2014 से पहले इस देश अपने इस इलाके का, अपने क्षेत्र का क्या नक्शा था, एक बार आप अपने दिमाग को उधर घुमाइए। और 2014 के बाद आज आप किस स्थिति में हैं, इन दोनों का मूल्यांकन करके देखिए, चाहे किसी भी क्षेत्र में करके देख लें, सड़कों में देख लें, बिजली में देख लें, पानी में देख लें, नहरों में देख लें, या अनाज मंडी में खड़े हैं किसान की जिंसों को बेचने में देख लें। कभी अगर भगवान रूस गया, कोई ओड़ा काकरा सर्दी का नुकसान हुआ, तो मुआवजे का मूल्यांकन करके देख लें। पिछली सरकारों में दो दो ढाई ढाई रुपए के मुआवजे आए हैं, हमारी सरकार ने जिस प्रकार से मुआवजा दिया है वो आप सब जानते हैं। और प्रदेश में ही नहीं, सेंटर के अंदर भी यदि आप देखें, विदेशों तक की जो पॉलिसी है उसके अंदर देखें, मोदी जी ने जिस प्रकार से डंका बजा रखा है दुनिया के अंदर, हम सुनते हैं, किताबों में पढ़ते हैं कि ये देश कभी भी शुरू होता था, ये देश सोने की चिड़िया होता था, लेकिन लगता नहीं था कि ऐसा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में पिछली 10 साल के अंदर आप लोगों ने देखा विदेशों में किस प्रकार से देश की साख बढ़ी है, किस प्रकार से देश को सम्मान मिलता है कि, और ये जो सम्मान मिलता है ये अकेले मोदी जी का नहीं है, मैं कहूँगा ये हर भारतवासी का सम्मान है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर कि नीचे से लेकर ऊपर तक हम कहाँ जा रहे हैं, हरियाणा प्रदेश में नौकरियों के लिए बगैर खर्ची और बगैर पर्ची के और जिस थोक के भाव में नौकरियां मिली, इन सब बातों का आप मूल्यांकन करके देखिए। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर अगले 5 साल के लिए सेवा करने का मौका दें। चौधरी धर्मवीर जी 10 साल से हमारे बीच में मेंबर पार्लियामेंट के रूप में हमारी सेवा कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अगले 5 साल के लिए और हम यहाँ से इनको चुनकर भेजें, कमल के फूल पर मोहर लगाएं और चौधरी धर्मवीर जी को इसी प्रकार से सांसद बना के भेजें। चौधरी धर्मवीर जी को सांसद बनाकर भेजेंगे तो आगे मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आपसे एक बार फिर अनुरोध करते हुए कि कमल के फूल पे मोहर लगाकर आदरणीय चौधरी धर्मवीर जी को जिताकर मोदी जी के हाथ मजबूत करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं क्षमा याचना करते हुए आग्रह करूंगा अटेली के बहुत ही लोकप्रिय विधायक श्री सीताराम यादव जी से कि आप आए और अपनी बात रखें। श्री सीताराम यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। भारत माता की, भाई दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत के साथ, भारत माता की, भारत माता की। आज नांगल चौधरी के अनाज मंडी में विजय संकल्प रैली को संबोधित करने हमारे बीच में पहुंचे हरियाणा के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री
श्रीमान नायब सिंह जी सैनी और हमारे दो बार के लगातार सांसद और भारतीय जनता पार्टी के महेंद्रगढ़ भिवानी के बहुत ही लोकप्रिय उम्मीदवार चौधरी धर्मवीर सिंह जी, हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता और महेंद्रगढ़ विधानसभा से 5 बार विधायक रहे, हरियाणा सरकार में मंत्री रहे, ऐसे हमारे बहुत ही लोकप्रिय नेता प्रोफेसर रामविलास जी शर्मा, हमारे नारनौल के 2 बार के विधायक और पूर्व में हरियाणा सरकार के मंत्री ओम प्रकाश यादव और हमारे बहुत ही लोकप्रिय विधायक नांगल चौधरी से और हरियाणा सरकार में सिंचाई मंत्री डॉक्टर अभय सिंह जी यादव और हमारे बहुत ही जुझारू जिला के अध्यक्ष श्रीमान दयाराम जी यादव, हमारे जिला की प्रभारी बहन गार्गी कक्कड़ जी और हमारे बीच में यहाँ पर पहुंचे हमारे कोसड़ी के बहुत ही लोकप्रिय विधायक श्रीमान लक्ष्मण जी यादव और 2 बार के समालखा के विधायक और हरियाणा सरकार में सहकारिता मंत्री रहे श्रीमान करतार सिंह जी बढ़ाना और सम्मानित मंच और भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रदेश व जिला के सभी पदाधिकारीगण और सभी हमारे यहाँ के पंचायत समिति के चेयरमैन और हमारे जिला परिषद के चेयरमैन श्रीमान डॉक्टर राकेश जी और सम्मानित मंच और मेरे सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अभय सिंह जी का और आप सब लोगों का मैं धन्यवाद करूंगा कि इस कड़कती धूप में आप लोगों ने यहाँ इतनी भारी तादाद में आकर के मुख्यमंत्री जी का आप लोगों ने स्वागत किया। मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। क्षेत्रवासियों, आप सभी को मेरे से पहले वक्ताओं ने बड़ी विस्तार से सब बातों पर चर्चा की होगी और मेरे बाद में हमारे सांसद साहब, मंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी सब बातों को विस्तार से आपके बीच में जिक्र करेंगे। मैं तो आपका धन्यवाद करने के लिए मैं खड़ा हुआ था, तो मैं तो अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप लोगों ने इतनी भारी संख्या में पहुंचकर मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया, मैं आपका बहुत बहुत हृदय से आभार करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। और अब मैं हम सबको संबोधित करने के लिए आग्रह कर रहा हूं। हरियाणा सरकार में अनेक बार आप मंत्री रहे, हरियाणा भाजपा के अनेक बार प्रदेश अध्यक्ष रहे, हम सब कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत आदरणीय प्रोफेसर रामविलास शर्मा जी को क्या पाएं और अपना संबोधन हम सब कार्यकर्ताओं के लिए। आदरणीय शर्मा जी। अरे कै इतना ठंडा हो रहा छो, भारत माता की। ये नान थनवास वाला छावड़ी नहीं बोल रहा छे, भारत माता की। हरियाणा के लोकप्रिय मुख्यमंत्री मेरे अजीज, भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश में लोकप्रिय ओबीसी चेहरा श्री नायब सिंह सैनी, आपके विधायक हरियाणा सरकार में मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव, हमारे तीसरी बार मेंबर पार्लियामेंट बनने जा रहे चौधरी धर्मवीर जी, लोग ओम प्रकाश जी यादव को पूर्व कहते हैं। अरे समय को कोई भरोसो को नहीं, कद पलटी मार जावे, कई बार गादड़ा सु सिंह हार जावे, राजा दशरथ प्राण त्याग दे राम बन को जावे। कोई पूर्व उर्व नहीं है। जब नायब सैनी मेरा अजीज हरियाणा का मुख्यमंत्री है, 4 जून के बाद एक शपथ समारोह और होगा। पत्रकार छायाकार मित्रों, पूर्व में डिप्टी स्पीकर बहन संतोष यादव, हमारी लोकसभा के प्रभारी कोसड़ी के लोकप्रिय विधायक लक्ष्मण यादव, जसवंत बबलू, जिला अध्यक्ष दयाराम यादव, शिव कुमार जी मेहता, डॉक्टर राकेश शर्मा एडवोकेट, शिव कुमार जी
और नांगल चौधरी मंडल के तीनों अध्यक्ष हंसराज मुछालो, पूरन सिंह गोगटड़ी, नरेंद्र यादव गोद बड़ावास। कई लोग नाराज होते हैं कि सबका नाम क्यों लेते हो। अरे ये छोटे छोटे कार्यकर्ता से ही तो बीजेपी खड़ी करी पत्रकार मित्रों। एक एमएलए हुआ करता था, ये दंचोली पुरुषोत्तम सिंह सुन ले, नान थनवास के छावड़ी सुन ले, मोसनोता लूजोता दंचोली, ये निजामपुर की नड़वाटी सुन ले, नापला पवेरा का चौधरी प्रताप सिंह का भूप सिंह सुन ले, ये आज राम मंदिर जो बना कार सेवा में, लूजोता का मेरा जितनो सवा छ फुट को बाबो शिवराम मारे साथ गए, सो यहां से 100 लोगों का जत्था लेकर के गए थे, आज कुछ उनमें से राम जी को चले गए, परंतु 22 जनवरी का रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण लेकर के चंपत राय जी कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी के पास गए, राहुल गांधी के पास गए, आचार्य प्रमोद कृष्ण कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता, उसने कहा अब तो उसको कांग्रेस ने निकाल दिया। ये पत्रकार छायाकार मित्र इस बात के चश्मदीद गवाह। कि तुम इस निमंत्रण को माथे से लगाओ और तुम वो गलती मत करना, तुमने सोनिया गांधी जी, आप कांग्रेस की अध्यक्षा थी तब आपने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि राम नाम का कोई व्यक्ति हुआ नहीं, ये केवल कल्पना है। एक पाप तुम पहले कर चुके हो, आज 10,000 साल पुरानी घटना है। इतना बड़ा हिंदू समाज है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, आज लड़कियों का नाम के कई नहीं है, गाड़िया लुहार के भी केला की फड़ी नाम की लड़की मिल जाएगी। हमारे समाज में सीता है, सावित्री है, गीता है, जावित्री है, चंपा, चमेली, धापा, दड़कली, शोभाई, भरपाई, संतोष, भारती सैनी, कमलेश, कविता, सविता, सब नाम की लड़की है। पर इस समाज ने 10,000 साल के बाद के कई नाम का लड़की नहीं रखी। मैं नहीं कह रहा, आचार्य प्रमोद कृष्ण ने कहा कांग्रेस और के की राशि एक है। कभी ऐसा ना हो यह समाज आपको भी बिडार दे। आज पूरे देश में राम लहर चल रही है। आज ज्यादा हम नायब सैनी को सुनेंगे, मैं तो आपके बीच का आदमी हूं, यह कारोली मारोली की राठी मेरी जजमानी बैठी है, यो करतार बढ़ाना फरीदाबाद सुहा के एम ए को इसी जेसीबी ले रहे से पहाड़ कहीं से नहीं फूटे, करतार बढ़ानो फोड़ दिस। मैं आज इतना ही कहना चाहता हूं कि कई बार हम छोटी मोटी गलती सु चौधरी धर्मवीर सो कुड़तो पहरे, न्यू बैठे जब नहीं मिलो तब नहीं मिलो। अरे चुनाव में 4.5 लाख वोटा सु आप पहले जिताए कि नहीं जिताए, कोई टाबर अड़बाद करे बरात में जान खातर रूस जा तो गांव का बड़ा बूढ़ा बरात सु लड़की ब्याह की ले आवे और फिर उन तूड़ाला कोठा में जो करा वो अपन धर्मवीर से भी कर सकते हैं, क्यों अपना वोट सु जिता भाई। पर नरेंद्र मोदी का नुकसान मत कर देना, ये भुआ जी की नगरी है, बाबा रामेश्वर दास की शिष्या
भाई मोतीराम जी बीओ की माता जी, मेरी पूज्य बुआ जी, 200-400 बहने भजन में, एक भजन उनका प्रिय भजन था, आज कीर्तन की है रात थानो आनु पड़ से वो बड़ी। ये चुनाव मामूली चुनाव नहीं है, ये एक तरफ राम भक्त नरेंद्र मोदी है, 11 दिन एक नारियल के पानी पर और साष्टांग प्रणाम करके 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर दी। 2 दिन पहले रामनवमी मनाई हमने, पूरे देश में 102 सीटों का चुनाव हो रहा है। ये पत्रकार छायाकार मित्र यहां के बहुत सूझबूझ वाले, 102 सीटों में से राम लहर बह गई, आजमगढ़ में बीजेपी जीत गई, रामपुर में जीत गई, एक तरफा जय जय श्री राम बोल दिया लोगों ने। और अपनी तो नगरी धार्मिक नगरी है, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि कमल के फूल के सामने का बटन दबेगा ये सीधा राम लला के चरणों में जाएगा। ये नरेंद्र मोदी को ताकत देगा, कोई गलती ना हो जाए। और ये नायब सैनी, एक गरीब किसान का बेटा, सब्जी की छोटी सी खेती करने वाला, नारायणगढ़ में 1991 में मैं जब अध्यक्ष था तब इनको मंडल का अध्यक्ष बनाया। इस देश में राजा महाराजाओं को ही मुख्यमंत्री बनने का अधिकार है क्या? दिग्विजय सिंह ने कहा था ये नरेंद्र मोदी बड़नगर में स्टोव पर चाय बनाने वाला दामोदर दास का बेटा, ये मुख्य प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। 140 करोड़ में फैसला किया, यही प्रधानमंत्री बनाएंगे, ये गरीब की पीड़ा को जानता है। 28 दिसंबर 2008 को पाकिस्तान से दरिंदे आतंकवादी आए, ताजमहल बंबई में 166 लोगों को मार के चले गए, 18 जवान शहीद हो गए। कांग्रेस की सरकार थी, कोई जू नहीं रहेंगी। अरे शेर का पट्टा, नरेंद्र मोदी 28 सितंबर 2016 को पाकिस्तान के अंदर जाकर के 110 आतंकवादियों को मार के आया, 13 फरवरी 2019 को पुलवामा में छावनी पर अटैक हुआ, 40 सैनिक मारे गए। वाह नरेंद्र मोदी, आप पार्लियामेंट में बोले, चित्तौड़ में बोले, चेन्नई में बोले, एक वाक्य बोले कि जो आग 140 करोड़ दिलों में जल रही है वो मेरे सीने में धधक रही है। और 26 फरवरी 2019 को इमरान खान प्रधानमंत्री के गांव में बालाकोट को जला के राख कर दिया। नरेंद्र मोदी कहता है कि हमको आंख दिखाई, हमारे साथ छेड़छाड़ किया तो घर में घुस के मारेंगे, ऐसा बहादुर प्रधानमंत्री है। इसलिए मैं अधिक न कहते हुए एक ही विनती करता हूं, और नाम ये क्यों दर है, मन बेरो है गार्गी जी, ये बड़ी मुसीबत है, मेरो तो वो देर से गर्म होता है, और जजमान जब सामने बैठा हूं तो मैं खुल के बोलता, पर पार्टियाला के कईयों के भी तकलीफ भी है, सबको इतनी शांति से लोग सुनते हैं नहीं सुनते। अब जो पेड़ हमने लगाया उसकी छाया में बैठने का समय आया तो ये लोग कह देते हैं समय कम है। समय कम कैसे है, समय ही समय है। मैं आज आप सबसे के
नरेंद्र मोदी का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये आपका जो वोट है ये रामलला के चरणों में जाएगा। एक बार मेरा अजीज मुख्यमंत्री नायब सैनी पूरे देश में घूमता है और नांगर चौधरी के भाई बहनों से दरखास्त है कि एक बार हाथ उठा के इसको आश्वस्त करे भारत माता की जय बोलते हुए कि यहां से धर्मवीर चौधरी जीत करके जाएगा, डंके की चोट खाएगा, भारत माता की। ये जीजी भैया ने हाथ उठाया, गेरड़ा नहीं उठा, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब मैं आग्रह करूंगा इस कार्यक्रम के संयोजक हरियाणा सरकार में मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव जी से कि वो आए और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय डॉक्टर अभय सिंह यादव जी। बहुत ही आदर और सम्मान के योग आज हमारे यहां इस सभा को संबोधित करने पहुंचे हमारे मुख्य अतिथि, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी, हमारे वर्तमान में सांसद और भावी सांसद चौधरी धर्मवीर जी, हमारे साथी भाई ओम प्रकाश जी, भाई सीताराम जी, भाई लक्ष्मण जी, बडाना साहब और पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष दयाराम जी और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण जो सम्मानित मंच और मेरे बहुत ही प्यारे हल्के से पहुंचे बहुत सम्मान के योग्य मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और प्रेस से हमारे आए हुए प्रेस के बंधुवर, देखिए आज का दिन हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि हमारे हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सैनी जी पहली बार नांगल चौधरी में कोई सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे हैं। यह हमारे लिए गौरव की भी बात है और गर्व की भी बात है। मैं बहुत लंबा ना बोलकर दो तीन बातें भाइयों बहनों कहूंगा। आप लोगों ने 2014 में हमारी सरकार बनाई और 2014 से 2024 तक का सफर आप सबको पता है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि जब हमारी सरकार के कामों का आप विवेचन करें, उसकी समालोचना करें, तो 2014 से पीछे का जो सीन है, जो दृश्य है, उसको जरूर याद कर लिया करो। क्या 2014 में आज जो चारों तरफ बड़े बड़े नेशनल हाईवे दिखाई दे रहे हैं वो थे 2014 में? क्या जो नहरों में टेल तक पानी जा रहा है, नियामतपुर मोरुड़ तक पानी पहुंच रहा है, क्या कभी वहां तक पानी देखा था? क्या मेडिकल कॉलेज का किसी ने सपना लिया था कि मेडिकल कॉलेज कभी महेंद्रगढ़ जिले में बनेगी? क्या कभी किसी ने सोचा था कि इस जिले में 1200 एकड़ में लॉजिस्टिक हब का निर्माण होगा? हमारी सरकार ने बहुत बड़े बड़े काम इस क्षेत्र में किए हैं और सबसे बड़ी बात है कि हमारी पार्टी ने एक ऐसा नेतृत्व दिया है जिसने इस देश के गौरव को दुनिया के नक्शे पे चार चांद लगाए हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जिस रुतबे के साथ, पहले हमारी विदेश नीति दूसरे देशों की शर्तों पे तय होती थी, आज हमारे प्रधानमंत्री दूसरे देशों को अपनी शर्तों पे विदेश नीति बनवाते हैं। पहले हमारी फौजों को बॉर्डर तक पहुंचने के लिए रास्ते नहीं होते थे, आज हमारे देश का हर सिपाही
बड़ी निर्भीकता से और बड़े साहस के साथ, बड़े आत्मविश्वास के साथ चारों तरफ देश के चारों तरफ मोर्चों पर डटा हुआ है। आज जिस चीन की सीमा पर फौजें भेजने से हमारे देश के पहले लोग डरते थे, आज वहां सीमा की अड़ती हुई हमारी हवाई पट्टियां बनी हुई हैं, हवाई अड्डे बने हुए हैं, हमारे नेशनल हाईवे बने हुए हैं। तो बहुत सारे काम हैं गिनाने के लिए। जहां तक मेंहदड़ जिले का और नांगल चौधरी हलके की बात है, आपको मुझे गिनाने की जरूरत नहीं है। मैं पीछे एक दिन सर्वे कर रहा था, गिन रहा था, हमारे मेंहदड़ जिले में 250 गांव ऐसे हैं जिनकी अर्थव्यवस्था बदली है। दो कारण हैं, रिचार्ज से हमारी भूमि में पानी ट्यूबवेल चले हैं, हमारे किसान को पानी मिलने लगा है, और दूसरी बात है कि हमारे किसान को भाव मिलने लगा है। हमारा आसपास के राज्यों में पहला राज्य है हरियाणा जहां 14 फसलें MSP पे खरीदी जा सकती हैं। मैं अभी राजस्थान चुनाव में बहरोड विधानसभा क्षेत्र में बोल रहा था, मैंने कह रहे पहले बाजरा 2014 में 1100 रुपए बिकता था, बाजरा 2350 रुपए बिकता है। तो राजस्थान के एक नेता जी मेरे कान में आके कहते हैं, विधायक जी ना मंत्री जी, हमारे यहां नहीं बिकता, ये बात दोबारा मत कहना। हमारा हरियाणा ऐसा राज्य है कि सारी फसलें MSP पे खरीदता है। राजस्थान में पीछे 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने कभी इस विषय में हिम्मत नहीं की, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर राजस्थान में भी MSP पे खरीद शुरू करेगी तो हमारी सरकार ही करेगी, हमारी पार्टी शुरू करेगी। तो भाई बात यह है कि दो चीजें जरूरी होती हैं, हमारे इरादे नेक हैं और हमारे हौसले बुलंद हैं। मैं ये समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ने के लिए दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, हम आगे बढ़ेंगे। और एक बात और भी साथ आपसे एक निवेदन करता हूं विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर। देखिए, इस जिले का, इस प्रदेश का भविष्य के बारे में सोचा करो। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, हमारी सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने इस जिले को बहुत कुछ दिया है। मैं अगर गिनाने लगूंगा तो, क्योंकि टाइम नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री जी का हेलीकॉप्टर 4:30 बजे उड़ना है, इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा, लेकिन मेरी आपसे निवेदन है कि चौधरी धर्मवीर जी को ज्यादा से ज्यादा वोटें डालकर इनको विजित बनाओ। और हमारा लक्ष्य जो है, हमारा लक्ष्य सिर्फ कमल का फूल है, कमल के फूल पर माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप वोट डालिए। और जब तक आप हमें हिम्मत और शक्ति देते रहोगे, मैं आपसे वायदा करता हूं कि इस क्षेत्र के विकास को कभी रुकने नहीं देंगे, इसी तरह दिन दुगना और चार चौगुना विकास इस क्षेत्र में होता रहेगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतनी संख्या में आए और इस मौसम में आए। मुझे बड़ी तकलीफ, 3 बजे का टाइम जब दिया तो मुझे बड़ा एक बार मन में ये हुआ था कि यार लोग दोपहर में घर से कैसे निकलेंगे, लेकिन देखिए पंडाल भी भरा है, पेड़ों के नीचे नजर मार के देखिए पेड़ों के नीचे कितने लोग बैठे हैं, क्योंकि धूप में बाहर खड़े नहीं रह सकते। तो इतना बड़ी संख्या में आप यहां आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और अब मैं आग्रह करूंगा महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा के बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह जी से कि आए और अपनी बात रखें। आदरणीय चौधरी धर्मवीर सिंह जी। प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सैनी जी, अभी आपके सामने सिंचाई मंत्री जी सारी बातें बता के गए हैं, डॉक्टर अभय सिंह जी, उनसे पहले माननीय रामविलास शर्मा जी ने सारी देश की हालात बता दिए, ओम प्रकाश जी और सीताराम जी ने भी बताया, बहन संतोष जी, लक्ष्मण यादव जी समय की कमी से नहीं बोल पाए, सम्मानित मंच, मेरे सामने बैठे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और बच्चों, देखिए ये बात किसी से छिपी हुई नहीं है। 2014 से पहले का हरियाणा, पहले का नांगल चौधरी,
और इस 10 साल में जो तेजी से बदलाव हुआ है ये तो मात्र एक शुरुआत है। याद करो जैसे ही माननीय प्रधानमंत्री जी जब पार्लियामेंट में गए तो सबसे पहले उन्होंने नोटबंदी करी, कांग्रेस और उनके साथियों ने विरोध किया। उसके बाद जीएसटी लागू की, कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों ने विरोध किया। और उनका फायदा क्या हुआ? कांग्रेस जब 2013-14 में सरकार से गई, टैक्स वही है जो आज लेती थी वो पार्टी, वो सरकार, लेकिन जो पैसा इकट्ठा होता था मात्र 18 लाख करोड़ रुपया आता था एक साल का केंद्रीय बजट में। आज जीएसटी नोटबंदी की वजह से आज वही पैसा 49 लाख करोड़ रुपया एक साल में इकट्ठा हो जाता है। बीच का 18 लाख करोड़ और 49 लाख करोड़ का बीच का पैसा 31 लाख करोड़ रुपया कहीं ना कहीं जाता था। आपने परसों का भास्कर अखबार पढ़ा होगा, फरीदाबाद के मात्र 4 व्यापारी 5000 करोड़ रुपए इस जीएसटी के माध्यम से निकाल लेते हैं। आज विपक्ष डरा हुआ है कि मोदी जी ने निर्णय लिया है कि तीसरी बार बनने के बाद ये करप्शन 100% खत्म करूंगा, ये पैसा यहीं लगेगा। और उसी पैसे का रिजल्ट है आज नेशनल हाईवे, सड़कें, पानी, मेडिकल कॉलेजेस, अनाज फ्री 80 करोड़ आदमियों को, और जो पेंशन कभी कांग्रेस वाले जाते जाते केवल 650 रुपए बुजुर्गों को देते थे, आज माननीय मुख्यमंत्री जी आपको 3000 रुपए देते हैं। ये सारे का सारा पैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से एक सुनियोजित ढंग से पैसा इकट्ठा किया है उसी का नतीजा है। अब तो फैसला ले लिया कि आयुष्मान कार्ड 70 साल से ऊपर के हर आदमी को मिलेगा, और एक समय ऐसा भी आएगा जब विकसित भारत बनेगा तो 100% 142 करोड़ आदमी इंश्योरेंस में आ जाएंगे। हमें गरीब या हो अमीर हो, बूढ़ा हो बच्चा हो, बीमार होगा तो इलाज सरकार कराएगी। ये एक विकसित भारत बनाने की योजना है माननीय प्रधानमंत्री जी की। आप देखिए आज की भारतीय जनता पार्टी का निर्णय, जिसके बारे में कभी लोग कहते थे जब जनसंघ का रूप था तो लोगों में प्रचार होता था तो ये बड़े उद्योगपति और व्यापारियों की पार्टी है, लेकिन आज इस देश के अंदर आम किसान, महिला, यूथ, SC BC गरीब आदमियों की, युवा की वो पार्टी बना के माननीय मोदी जी ने आके चलाया है। अगर आप केंद्र के अंदर मंत्रिमंडल में देखोगे तो हम खुशकिस्मत हैं, हमारे इस इलाके से 3-3 केंद्र में वजीर हैं, कृष्णपाल गुर्जर, माननीय राव इंद्रजीत, भूपेंद्र यादव, और मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं। हमारे इसी लोकसभा क्षेत्र में नहर का बैंकमा भी हमारे को दे दिया, पीने का पानी और सड़क का महकमा भी हमारे यहीं दे दिया बनवारी लाल जी को, और वित्त मंत्रालय भी यहीं के लोकसभा क्षेत्र के विधायक को दे दिया। और इसका रिजल्ट देखना आने वाले समय में, जहां अंबाड़ा, करनाल, कुरुक्षेत्र में, जहां ऊपर के इलाके में जीरी पैदा होती थी, 5 साल के अंदर अंदर ये इलाका नंबर 1 का इलाका हो जाएगा, ये आपके देखते देखते हो जाएगा। देखिए मैं माननीय नायब सैनी जी को बहुत साल से देखता हूँ, गांव के रहने वाले हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक शुरुआत की है कि इस देश और प्रदेश में BC OBC SC गरीब किसान और मजदूर की सरकार बने, इसीलिए ये देश का 142 करोड़ आदमी आगे बढ़ रहा है। बहुत सी छोटी मोटी कमियां मैं नायब सैनी जी से प्रार्थना की थी, छोटी मोटी कुछ कमियां हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के बाद ये फैसला ले लिया, चाहे वो प्रॉपर्टी का मामला हो, चाहे वो पंचायतों की कुछ बातें हों, मैं बधाई देता हूं मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि ये हर चीज को गहराई से जानते हैं और आने वाले समय में दोबारा से एक तेजी से, चाहे वो सरपंच साहिबान की बात हो, शहरों की बात हो, गरीब की बात हो, इस प्रकार तेजी से विकास होगा प्रदेश में, नंबर 1 पर ये प्रदेश आएगा। इसलिए वो समय जो कांग्रेस पार्टी का था, जिसमें केवल जब भी कोई मुख्यमंत्री बनता
वो केवल अपने जिले और अपने लोकसभा क्षेत्र या विधानसभा क्षेत्र में सारा पैसा लगा देता था, नौकरी भी वहीं जाती थी, सड़कें भी वहीं बनती थी, पानी भी वहीं जाता था। लेकिन आज की सरकार ने बराबर व्यवहार किया है, बराबर, इसलिए उन लोगों को कहीं ना कहीं दुख है, इसीलिए वो चिल्ला रहे हैं। जब नौकरी की बात आती थी तो कांग्रेस के समय के विधायक वहां के मुख्यमंत्री कहते थे तू चार नाम दे दे, तू पांच नाम दे दे नौकरी के, तू लाइसेंस ले सकता है लेकिन काम करूंगा मेरे क्षेत्र के अंदर। जब हम बाहर जाते थे उस क्षेत्र की सड़कें बढ़िया, और जब हम अपने क्षेत्र में जाते थे तो क्या हालात थे। इसलिए आज की सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से बराबर का विकास के लिए सोची है, और आने वाले जो 5 साल आपके होंगे वो इस देश और दुनिया में हरियाणा के लिए सबसे ज्यादा स्वर्णिम अगर समय आएगा तो 4 जून के बाद जब आप देखोगे कि जब ये सरकार तेजी से काम दौड़ाएगी। मैं आचार संहिता में नहीं कह सकता कि कुछ एक चीजें अड़चने हो सकती हैं, लेकिन मैं सैनी साहब को जानता हूं, इन्होंने गांव की गरीब की शहर की किस्म के सम्मान में से कोई बांसुरी बजाए है, कोई है, कोई गीत जमुना जिसे देख माननीय मुख्यमंत्री जी। भारत माता, ये आप लोगों की मजबूत आवाज, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को सुनाई देनी चाहिए कि नंगल चौधरी की सरदारी अनाज मंडी में 71 आई है, जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के। बहुत बहुत धन्यवाद मंच पर विराजमान हमारे इस लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बीच में आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है। ऐसे हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी चौधरी धर्मवीर सिंह जी मेरे लोकसभा में साथी सदस्य भी रहे हैं, और मुझे मालूम भी है कि ये कितनी बुलंद आवाज इस क्षेत्र की लोकसभा के अंदर उठाते हैं। आप लोगों की कोई भी समस्या, कोई भी बात अगर इनके ध्यान में आती है तुरंत लोकसभा के अंदर उस आवाज को बुलंद तरीके से उठाने का काम चौधरी धर्मवीर जी करते हैं। ऐसे हमारे लोकप्रिय ये प्रत्याशी आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए आप सबके बीच में आए हैं। आज के कार्यक्रम के आयोजक हरियाणा सरकार में आदरणीय मंत्री डॉक्टर अमय सिंह यादव जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता जिनका लगातार हमें भी आशीर्वाद मिलता है, ऐसे माननीय रामविलास शर्मा जी, पूर्व मंत्री ओम प्रकाश यादव जी, हमारे इस क्षेत्र के विधायक सीताराम यादव जी, और हमारे लोकसभा के प्रभारी एवं विधायक लक्ष्मण यादव जी, जिला के हमारे लोकप्रिय अध्यक्ष दयाराम यादव जी, चेयरमैन जिला परिषद राकेश कुमार जी, जिला की प्रभारी बहन गार्गी कक्कड़ जी, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेत्री संतोष यादव जी, पूर्व मंत्री करतार बढ़ाना जी, नगर पालिका नगर परिषद की चेयरपर्सन श्रीमती कमलेश सैनी जी, सत्यव्रत शास्त्री जी, राकेश शर्मा जी पूर्व जिला के अध्यक्ष, और सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंच पर विराजमान सभी पदाधिकारीगण, सभी नेतागण, मंडलों के माननीय अध्यक्षगण, हमारे मोर्चों के सभी
माननीय अध्यक्षगण और सामने बैठे हुए मेरे मातृशक्ति, मेरे पिता समान बुजुर्गों, युवा साथियों, आज मैं आप सबके बीच में आने का मुझे सौभाग्य मिला है। मैं दोनों हाथ जोड़ करके आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको राम राम करता हूं। भाइयों, ये चुनाव चल रहा है। 25 मई को हमने हरियाणा के इस देश की तकदीर का फैसला करना है। अभी पूरा बात भी रखी है, उस बात के अंदर जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम हुए हैं भाइयों, वो छुपे नहीं हैं। हम देखते हैं 2014 का भारत और आज 2024 का भारत, भाइयों एक बड़ा अंतर इसके अंदर नजर आ रहा है, जमीन आसमान का अंतर नजर आ रहा है। आज जब हम बात करते हैं रोड्स की इस देश के अंदर इन 10 वर्षों में, भाइयों नांगल चौधरी से अगर हमें चंडीगढ़ जाना होता था तो भाइयों यहाँ से 8-10 घंटे का समय चंडीगढ़ जाने में लगता था, और आज ये जब 2024 के भारत में हम खड़े हैं तो आज मात्र 4 घंटे के अंदर आप चंडीगढ़ में पहुंच जाते हैं। ये बदलाव इस देश के अंदर भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर देखने को मिला है। चाहे देश के अंदर रेलवे कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात हो, सड़कों का जाल बिछाने का काम किया है। आज अगर हम हरियाणा के अंदर देखते हैं, एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां पर फोर लाइनिंग ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे, भाइयों 6 लेन भाइयों जाने का काम ये इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। भाइयों, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर एक योजनाबद्ध तरीके से गरीब व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम किया है। भाइयों, अभी मैं सुन रहा था कांग्रेस के युवराज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बोल रहे थे और ये कह रहे थे कि आप हमें एक समय दें, मैं इस गरीबी को एक झटके में समाप्त कर दूंगा। भाइयों, मैं आज नांगल चौधरी की सरदारी के बीच में हूं, मैं उन लोगों को यह पूछना चाहता हूं जो आज इस प्रकार की बात करते हैं कि एक झटके के अंदर यह गरीबी को समाप्त कर देंगे। अरे इंदिरा जी 1970 में उन्होंने एक बात कही थी, वो शायद अपने पूर्वजों के बातों की तरफ ध्यान नहीं देता, आजकल वो झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करने की बात करते हैं। इंदिरा जी ने 1970 में एक बात कही थी कि हम गरीबी हटाएंगे। भाइयों, 50-55 साल के बाद भी ये लोग गरीबी नहीं हटा सके, इसके पास कौन सा अलादीन का चिराग है जो ये बोलता है कि मैं गरीबी को एक झटके में हटा दूंगा। भाइयों, जब ये 10 वर्ष इस देश के अंदर भाइयों सत्ता के अंदर रहे तब इसको किसने रोक लिया था गरीबी को हटाने के लिए, इसने गरीबी को हटाना चाहिए था। भाइयों, इस बात से भी हमें सचेत रहने की आवश्यकता है, ये लोग झूठ बोल करके लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। अभी हमारे पड़ोस में राजस्थान है, मैं कुछ दिन पहले राजस्थान के अंदर गया था, भाइयों वहां के लोग बोल रहे थे जब मैं बात कर रहा था कि ये झूठ बोलते हैं, उन्होंने कहा कि एक बड़ा झूठ हमारे यहाँ भी बोल करके गया, ये अलवर के लोग आपके पड़ोस में हैं, भाइयों बोल रहे थे कि हमारे यहाँ जब चुनाव चल रहा था पिछला ऐन समय के ऊपर आकर के कहा कि आप हमें वोट दो हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। भाइयों, ना तो किसानों का कर्जा माफ हुआ, उल्टा प्रदेश को भी नुकसान हुआ, प्रदेश के किसान को भी नुकसान हुआ। 4,000 किसानों ने भाइयों आत्महत्याएं राजस्थान के अंदर की है और 16,000 किसानों की जमीन कुर्क हो गई है, ये झूठ बोला ये इनके युवराज ने। भाइयों, राहुल गांधी का यह झूठ बोलना ये लोगों के ऊपर कितना भारी पड़ा है, इस बात से हमने बचना भी है, इस बात से बचाना भी है। परंतु अगर दूसरी तरफ देखेंगे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर भाइयों किसान को मजबूत करने का काम किया है, एक योजना बना करके प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बनाई और भाइयों आज 3.5 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते के अंदर डायरेक्ट पहुंचाने का काम इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, किसान को मजबूत करने का काम, ये पहली बार
ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों, इस बात को हमने समझना है। ये लोग झूठ बोल करके, लोगों को बरगड़ा करके भाइयों वोट बटोरने का काम करते हैं, परंतु नरेंद्र मोदी जी काम में विश्वास करते हैं और ये लोग भ्रष्टाचार में विश्वास करते हैं। हमारे नेता की भाइयों नीयत भी सही है, हमारे नेता की नीयत भी सही है, हमारे नेता की नीयत भी सही, नीति भी सही है, और भाइयों इस देश का नेतृत्व भी सही है। अगर हम इस घमंडिया गठबंधन की तरफ देखें, ना तो इनकी नीयत ठीक है, ना इनकी नीति ठीक है, भाइयों इनके नेतृत्व का तो पता ही नहीं चलता कि इनका नेतृत्व कौन है कौन नहीं है। भाइयों, इसके ऊपर भी हमने विचार करना है। मुझे खुशी होती है इन्हीं 10 वर्षों के अंदर, अभी हमारे अभय सिंह यादव जी बता रहे थे कि अंतिम टेल तक पानी पहुंचाने का काम मोरुंडू तक जो अंतिम टेल नहर गई है, आज तक किसी ने वहां तक पानी नहीं पहुंचाया। अगर वहां तक अंतिम टेल तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था किसी ने की है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। भाइयों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। इस बात को भी हमने समझना है कि देश के अंदर जो लोगों को आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार के ऊपर पूरा करना, ये हमारी डबल इंजन सरकार का भाइयों कार्य है, और लगातार उससे आगे बढ़ते हुए काम को करने का कार्य ये हमारी डबल इंजन की सरकार कर रही है। मुझे खुशी है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना चलाई। मुझे इस बात को आप लोगों के बीच में बताते हुए कि ये कांग्रेस के लोग जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना थी, 267 करोड़ रुपया किसान का जो उनके खाते में नहीं गया था और उनको 2 रुपए 5 रुपए का चेक देने का काम, ये अगर किसान की फसल का खराब हुआ होता था यही कांग्रेस के लोग करते थे, परंतु हमारी सरकार ने आकर के वो 272 करोड़ रुपया दिया। कांग्रेस ने 10 वर्षों के अंदर 1100 करोड़ रुपया किसान की फसल के खराबे का दिया, परंतु हमारी सरकार ने आकर के 12,500 करोड़ रुपया किसान के फसल के खराबे का डायरेक्ट उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया। भाइयों, इस बात को हमने समझना है। ये सरकार काम करने वाली सरकार है, ये लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर ये खरा उतरने वाली सरकार है। भाइयों, मेरा आप लोगों से आग्रह है कि हम सब मिल करके यहाँ से एक एक वोट कमल के बटन का दबा करके चौधरी धर्मवीर जी को बड़े बहुमत से भाइयों हमने दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी जी के पास भेजना है। आज देश ने फैसला कर लिया है, आज मैं पूरे हरियाणा के अंदर जा रहा हूँ, हरियाणा के साथ साथ पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों के अंदर भी जाने का मौका मिल रहा है। आज सभी जगह से एक ही आवाज आ रही है कि अब की बार नरेंद्र मोदी 400 पार सीटें लेकर के सबसे बड़े बहुमत से तीसरी बार इस देश के भाइयों प्रधान सेवक के रूप में काम करने वाले हैं। ये हमारे लिए, क्योंकि ये काम करने वाली सरकार है, हम देखते हैं इन 10 वर्षों के अंदर भाइयों जितनी भी योजनाएं चली हैं, हर योजना का कांग्रेस ने विरोध किया है। चाहे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, चाहे हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की बात है, मुझे तो कांग्रेस के उन कार्यों के ऊपर जो इतने लंबे समय तक इस देश के ऊपर शासन करते रहे हैं, भाइयों हमारी माताएं बहनें 2014 से पहले मैं देखता था पीने का पानी सर के ऊपर मटका रख करके 2-2, 3-3 किलोमीटर की दूरी से लेकर के आती थी। ये चिंता नहीं की कि हमारी माताओं को बहनों को ये तकलीफ होती है, परंतु उनको भ्रष्टाचार के अंदर विश्वास था, नरेंद्र मोदी जी को काम में विश्वास था, और उनने सबसे पहले जल शक्ति मंत्रालय बनाया, हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था की। आज हमारी माता बहन को सर के ऊपर मटका रख करके पानी लाने की आवश्यकता नहीं है, ये चिंता ये नरेंद्र मोदी जी ने की है। भाइयों महिलाओं को सम्मान देने का काम ये हमारी सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। चाहे घरों के अंदर भाइयों शौचालय बना करके उनको इज्जत घर देने की बात भाइयों नरेंद्र मोदी जी ने की है। और भाइयों मुझे खुशी है इस बात की कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बहनों को सशक्त और मजबूत करने का काम भी इन्हीं 10 वर्षों के अंदर ये हमारी सरकार ने किया है। हमारी जो बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं,
उनको नमो ड्रोन दीदी का भाइयों कौशल दे करके, ट्रेनिंग दे करके उनको आगे बढ़ाने का काम भी ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों अगर किसी भी क्षेत्र के अंदर हम देखेंगे, देश आज मजबूती से बदलता हुआ नजर आ रहा है। आज देश के अंदर एक ही लड़ाई है और लड़ाई ये है भाइयों, एक तरफ तो मोदी जी लगे हुए हैं कि हमने देश को बचाना है, दूसरी तरफ लगे हुए हैं कि हमने भ्रष्टाचारियों को बचाना है। भाइयों निर्णय इस देश की जनता करने वाली है। 25 मई को हमारे यहाँ वोटिंग होगी, 4 जून को रिजल्ट आएगा और भाइयों जब 4 जून को रिजल्ट आएगा तो हरियाणा की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मैंडेट के साथ भाइयों तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम हम सब करेंगे। भाइयों मैं आप लोगों से यही आग्रह करना चाहता हूं कि एक एक वोट आप कमल के बटन का दबा करके यहां से धर्मवीर जी को कमल का फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी के पास भेजने का काम करें। भाइयों मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं, नरेंद्र मोदी जी ने एक बड़ा विश्वास करके आपके बेटे भाई को ये जिम्मेवारी देने का काम किया है। आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने ये जिम्मेवारी दी है, आदरणीय अमित शाह जी ने ये जिम्मेवारी देने का काम किया है, आदरणीय मनोहर लाल जी ने भाइयों ये जिम्मेदारी देने का काम किया है। मैं आप लोगों से ये बात कहना चाहूंगा कि इस जिम्मेवारी का आप सबके आशीर्वाद से 100% इसको निर्वहन करेंगे और आप लोगों को एक विश्वास दिला करके मैं जा रहा हूँ कि आपका 4 तारीख के बाद जब ये आचार संहिता हट जाएगी, जो भी विकास के कार्य है उन विकास कार्यों की भाइयों और गति तेज करने का काम हम करेंगे। जो भाइयों व्यवस्था परिवर्तन का काम आदरणीय मनोहर लाल जी ने किया है, भाइयों मुझे खुशी है, पहले तो एक बच्चे को लगाने के लिए भाइयों पूरे गांव को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी, परंतु आज बिना पर्ची बिना खर्ची के गरीब बच्चे गरीब माँ बाप का बेटा भी हरियाणा सरकार के अंदर ICS लग रहा है। ये व्यवस्था परिवर्तन का काम ये हमारी सरकार ने किया है भाइयों, इसको आगे बढ़ाने का काम ये हमारी जिम्मेवारी है कि गरीब के घर तक भाइयों सरकार पहुंचे, उसको भी लाभ पहुंचे। हमारी दोनों सरकारों ने, डबल इंजन की सरकार ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी की सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार ने भाइयों ईमानदारी से इस देश की सेवा की है, इस देश के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया है, देश की समस्याओं का समाधान किया है, चाहे वो धारा 370 है, चाहे भाइयों धारा 370 के साथ साथ जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर भाइयों जो बोड़ों का एक संघर्ष वहां पर चल रहा था उसके समाधान की बात है, चाहे भगवान श्री राम के भव्य मंदिर बनाने की बात है भाइयों, लगातार हमारी संस्कृति का भी संरक्षण करने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों हमने इस बात को समझना है कि यह सरकार ये काम करने वाली सरकार है, ये गरीब की चिंता करने वाली सरकार है। आज देख रहे हैं कि इन 10 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान कार्ड बना करके 5 लाख रुपए का अधिकार वो गरीब व्यक्ति को देने का किया है। आज उसको चिंता नहीं है कि उसके इलाज के लिए पैसा कहाँ से आएगा, ये व्यवस्था ये नरेंद्र मोदी जी ने खड़ी की है। और हरियाणा के अंदर जब मनोहर लाल जी हरियाणा की भाइयों काम देख रहे थे, वो इस क्षेत्र हरियाणा प्रदेश की जिम्मेवारी उनके पास थी, उन्होंने चिर आयु इसके अंदर जोड़ करके हरियाणा के 125 करोड़ लोगों को भाइयों इस योजना के साथ जोड़ करके उनको ये सम्मान देने का काम किया है। लगातार ये सरकार भाइयों हर वर्ग की चिंता करते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम कर रही है और उसका परिणाम है कि जो लोग ये राहुल गांधी बोलता है कि एक झटके के अंदर हम गरीबी को खत्म कर देंगे, परंतु भाइयों मैं बताना चाहता हूँ नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर जो गरीब के हित में काम किए हैं, आज देश के अंदर 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने का काम भी वो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों ये लोग बात तो करते हैं परंतु काम नहीं करते, नरेंद्र मोदी जी काम करते हैं, बात कम करते हैं। चाहे आज हमारे नौजवान जो साथी जो बॉर्डर के ऊपर हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए खड़े होते थे, आज ये न्याय की बात करने लगे हैं। जब कांग्रेस ने देखा कि नरेंद्र मोदी जी गरीब की बात कर रहे हैं, गरीब को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हमारा ये हरियाणा प्रदेश भाइयों नौजवानों का प्रदेश है, हमारे आर्मी के अंदर हमारे बेटे हमारे भाई भारी संख्या के अंदर हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए बॉर्डर के ऊपर खड़े होते हैं, परंतु इन्हीं कांग्रेस के समय के अंदर
हम सब जानते हैं कि हमारा जो बेटा भाई हमारे बॉर्डर के ऊपर हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए खड़ा होता था, उसके ऊपर पत्थरबाजी होती थी। भाइयों, ये हमारे नौजवानों के साथ अन्याय था, हमारे देश के साथ अन्याय था, परंतु न्याय देने का काम ये नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। हमने देखा है कि इन 10 वर्षों के अंदर ना तो कोई पत्थरबाजी दिखाई देती है, ना कोई पत्थरबाज दिखाई देता है। ये देश सुरक्षित करने का काम अगर किसी ने किया है, ये नरेंद्र मोदी जी ने इन 10 वर्षों के अंदर किया है। भाइयों, आप लोगों से आग्रह है कि आइए मिल करके एक एक वोट, आप कमल का बटन दबाइए। भाइयों, कमल का बटन यहां नांगल चौधरी में बंद दबेगा और उसकी ताकत दिल्ली में बैठे हुए नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगी, और जब वो ताकत आपकी नरेंद्र मोदी जी के पास जाएगी और गति से इस देश को आगे बढ़ाने का काम और नरेंद्र मोदी जी करेंगे। ये अगर गरीबी के प्रति मजबूत लड़ाई कोई लड़ सकता है, जो संकल्प ले सकता है, तो नरेंद्र मोदी जी जैसा व्यक्ति ले सकता है। ये लोग तो भाइयों भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। नरेंद्र मोदी जी इस देश को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है। तो मैं आप सबका इतनी भारी संख्या के अंदर आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ और एक संकल्प लेकर के हम सब यहाँ से जाएंगे। एक एक वोट हमने कमल का बटन दबा करके धर्मवीर जी को कमल का फूल दे करके बड़े मैंडेट के साथ दे करके भाइयों दिल्ली के अंदर नरेंद्र मोदी जी के पास भेजना है, ताकि नरेंद्र मोदी जी और गति से इस देश को आगे बढ़ा सके। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। अब की बार, अब की बार, अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आप सबने अपनी मधुर वाणी से हम सबको अनुग्रहित किया। आप